Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see event propagation in our React application. जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच में, क्योंकि मैं इवेंट प्रोपेगेशन ऑलरेडी अपने वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स में बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ एंड इवन आज मैं उसी पीपीटी का आज के सामने यूज करने वाला हूँ। एंड जावास्क्रिप्ट में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या रिएक्ट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्या रिएक्ट में भी इसकी उतनी ही वैल्यू। तो आप देख सकते हो ये जो अभी पीपीटी आपको दिख रहा है, ये मेरा वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट का ही पीपीटी जहाँ पे हमने इवेंट प्रोपेगेशन, हायर ऑर्डर फंक्शन, कॉल बैक क्लोजर्स, कॉल बैक हेल्प, एच एपीआई प्रोमिसेस, एसिंक कवेट, एरर हैंडलिंग, ये तो जस्ट एक छोटा सा पार्ट था एडवांस का। आगे बहुत है इवेंट लूप एंड ऑल, बहुत सारी चीजें थी, बट यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने आपको इवेंट प्रोपेगेशन बताया था। ठीक है, अगर आप देखते हो व्हाट इज इवेंट प्रोपेगेशन, तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हाउ इवेंट्स प्रोपेगेट और ट्रैवल थ्रू द डोम हायरार्की। सिंपल, तो इसका सिंपल मतलब बस इतना है कि जब भी आप कोई इवेंट फायर करते हो तब हम वो जो इवेंट है हमारे डोम ट्री में वो कैसे ट्रेवल करता है, तो वो आपका इवेंट प्रोपेगेशन हमें बताता है। प्रोपेगेट मतलब बढ़ना। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट देयर आर टू फेजेस ऑफ इवेंट प्रोपेगेशन एंड दैट इज योर कैप्चरिंग फेज एंड देन योर बबलिंग फेज। इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछा जाता है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन कैप्चरिंग फेज एंड बबलिंग फेज एंड देन वी हैव वन मोर दैट इज कॉल्ड टारगेट फेज। होता क्या है ये कैप्चरिंग फेज, देखो द इवेंट स्टार्ट्स, ये जो इवेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट ऑफ द डोम एंड गोज डाउन टू द टारगेट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये वाला जो टीडी है आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट, इस पे आपने क्लिक किया एंड एक इवेंट आपने फायर किया हुआ था। एंड लेट्स एग्जांपल आपने इस पर्टिकुलर पोर्शन पे भी एक इवेंट रखा हुआ है एंड इस पर्टिकुलर टेबल टेबल पे भी आपने एक इवेंट रखा हुआ है। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे ना दिस बटन को, टीडी को, तो कैसे अब यहाँ पे वो नहीं होने वाला कि टीडी पे क्लिक किया और आपको टीडी में जो अनक्लिक आपका उसका डेटा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इवेंट प्रोपेगेशन क्या बोलता है कि आपका ये जो इवेंट है हमारे इस डोम ट्री में, ये आपका डोम ट्री है, कैसे ट्रेवल कर रहा है, वहां तक कैसे पहुंच रहा है, कैसे पता चल रहा है कि इस टीडी को हमने क्लिक किया है, मैं बताता हूं। जब बात करते हैं कैप्चरिंग फेज की, ये क्या होता है, द इवेंट स्टार्ट फ्रॉम द रूट ऑफ द डोम, मतलब सबसे पहले ये जो टीडी का एकदम रूट कौन है, विंडो है, विंडो में जाता है, बेसिकली स्टार्ट होता है, चेक करता है क्या विंडो में कोई इवेंट है, समझ रहे हो, अगर है तो उसको वो फायर करेगा, फिलहाल तो नहीं है, बट हमने देखा कि अच्छा डॉक्यूमेंट में है, तो डॉक्यूमेंट में जो भी आपने ऑन क्लिक में लिखा था, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग हे डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले वो आ जाएगा। एचटीएमएल में चेक करेगा कुछ नहीं है, बॉडी में चेक करेगा कुछ नहीं है, उसने देखा अरे टेबल में है, एक और है, हे टेबल, तो वो आपको प्रिंट हो जाएगा, फिर टी बॉडी पे आएगा, टी आर पे आएगा, फिर एंड में अच्छा टीडी ये एंड यही है आपका टारगेट फेस, तो इसका डेटा आएगा। तो मतलब आपने क्लिक किया था सिर्फ टीडी को एंड आपको सिर्फ इसका डेटा दिखाना था, बट आपको डॉक्यूमेंट का भी दिख जाएगा, टेबल का भी दिखेगा, तब जाके एकदम एंड में ये आपको मिलने वाला। सो ये है आपका कैप्चरिंग फेस कि आपका जो इवेंट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो ट्रेवल कर रहा है एंड टॉप टू बॉटम आते आते जो जो इवेंट है उनको वो फायर कर देता है जो कि हमें नहीं चाहिए। देन वी हैव सेकंड टारगेट फेस, द इवेंट रीचेस द टारगेट एलिमेंट, मतलब ये तो आप समझ जाओ ये तो यही वाला हो गया। नाउ वी हैव वन मोर लास्ट एंड दैट इज योर बबलिंग फेस। बबलिंग फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट जस्ट द अपोजिट ऑफ योर कैप्चरिंग फेस, इसमें भी आपका ट्रेवल होता है बट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, समझ रहे हो, देखो ना द इवेंट स्टार्ट फ्रॉम द टारगेट एलिमेंट एंड बबल्स अप टू द रूट ऑफ द डोम। मतलब अब होगा ये कि टीडी को ही आप क्लिक करोगे, अब ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या होता है, जब आप टीडी पे क्लिक करोगे तो टीडी का जो डेटा है सबसे पहले वो आपको दिख जाएगा, समझ रहे हो, वो आपको दिख जाएगा, उसके बाद फिर अब ऊपर जाएगा, रुकेगा नहीं, ऊपर टीआर में था नहीं है, टेबल बॉडी में नहीं है, अरे टेबल में, चलो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टेबल आ जाएगा, इसको हटाया टेबल नहीं, अरे डॉक्यूमेंट में भी, तो ये भी आएगा, तो एक तरफ पहले ऊपर से नीचे जो जा रहा है। सो गाइस यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आता है वो आपका कैप्चरिंग फेस है एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो जाता है वो आपका बबलिंग फेस है। ठीक है, आपको पता चल गया। सो ये आपका इवेंट प्रोपेगेशन था इन जावास्क्रिप्ट, मैंने उसमें दिखा। तो रिएक्ट में क्या, देखो इन रिएक्ट जेएस, ये आपका रिएक्ट जेएस है, द इवेंट प्रोपेगेशन रिफर्स टू द प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको एक प्रोसेस बता रहा है बाय विच इवेंट प्रोपेगेट और बबल अप फ्रॉम द टारगेट एलिमेंट थ्रू इट्स पैरेंट एलिमेंट इन द डोम हायरार्की। ओ माय गॉड, जावास्क्रिप्ट में जो है एंड रिएक्ट में जो है बोथ आर सेम। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, React follows the same event propagation model as regular JavaScript event. खत्म, बात ही खत्म। मतलब अब इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक चीज है यहाँ पे, वी हैव दिस
स्टॉप प्रोपागेशन मेथड ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। बट अब हम डायरेक्टली हमारे कोड पे चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ कंपोनेंट्स के अंदर में एक और कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ एंड दैट इज इवेंट प्रोपागेशन। एंड बाय द वे गाइस, जो हमारा इवेंट प्रोपागेशन जो है ना जावास्क्रिप्ट वाले वीडियो में मैंने बहुत ऑसम एक प्रोजेक्ट बनाया पूरा केमिस्ट्री का, जो अपना पीरियोडिक टेबल, आई गेस पीरियोडिक टेबल ही बोलते हैं, जिसमें हीलियम लिथियम मेरिलियम जो भी था पूरा वो मैंने बना के, जब भी किसी पे भी आप क्लिक करते हो उसका डेटा आ जाता है बिकॉज ऑफ इवेंट प्रोपागेशन है। ये बहुत यूजफुल है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, देख लीजिएगा वो वीडियो। बट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक चीज प्रोपागेशन, ठीक है। मैं जल्दी से यहाँ चल देता हूँ, इसको रिटर्न कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो एंड इसको मैं कॉपी भी कर देता हूँ यहाँ पे एक सेकेंड, क्योंकि ये चीज अब ऐसा है कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज इट। सो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ओवर हियर, या इस जगह पे एक ये लगाना जरूरी था, परफेक्ट, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको मैं जल्दी से एक्सपोर्ट कर देता हूँ एंड ये जो पार्ट है इसको मैं एक अपना वो जो CSS है इफ यू रिमेम्बर EB वाला, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसको मेरा जो app.jsx है वहां पे मैं इसको कर लेता हूँ प्रोपागेशन को इंपोर्ट, ठीक है गाइस। मैंने इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर ली। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इवेंट प्रॉप्स उसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है फिलहाल। अब अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ इस जगह पे तो आपको कुछ जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जिसमें वी हैव अ चाइल्ड डिव, वी हैव दिस पेरेंट डिव एंड देन वी हैव दिस ग्रैंड पेरेंट डिव, ठीक है। मैंने बहुत ऑसम एग्जाम्पल बनाया, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे याद है मैंने क्या बताया था, दो तरीके, बबलिंग अप और एक है आपका कैप्चरिंग फेस। तो बबल में क्या होता है कि अगर मैंने चाइल्ड को क्लिक किया, ध्यान से देखना इस जगह पे, ठीक है, चाइल्ड को अगर क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, चाइल्ड को क्लिक किया तो सबसे पहले चाइल्ड का आया, ठीक है, फिर अब एक स्टेप ऊपर 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 जाता है, उसने देखा अरे पेरेंट पे भी तो एक बटन क्लिक है तो पेरेंट आ गया, अरे उसने देखा ग्रैंड पेरेंट पे भी तो वो भी आपने प्रिंट कर दिया। तो आई होप आपको पता चला दिस इज बाय डिफॉल्ट बबलिंग फेस, जहां पे आपने बटन पे क्लिक की ऑन क्लिक कॉल हो गया, फिर वो ऊपर गया, उसने देखा अरे पेरेंट पे भी तो कुछ क्लिक हो रखा है, आई मीन पेरेंट पे भी तो हैंडल पेरेंट क्लिक है, तो यहाँ पे देखो हैंडल पेरेंट क्लिक इस जगह पे ये कॉल हो गया, फिर वो गया इसके ऊपर, यहाँ पे देखा ये भगवान ग्रैंड पेरेंट पे भी है, तो ये जो ग्रैंड पेरेंट वाला आप देख सकते हो, सॉरी ये तो चाइल्ड है, ग्रैंड पेरेंट वाला आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे, तो ग्रैंड पेरेंट क्लिक। तो इस तरीके से गाइस आपका इवेंट काम करता है एंड आई मीन ये तो चलो सिर्फ 3 डीप था आपको पता चल गया, लेकिन आप सोचो अगर एकदम बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो एंड अगर आपको इवेंट प्रोपागेशन का आइडिया नहीं होता, बबलिंग एंड कैप्चरिंग फेस का आइडिया नहीं होता एंड इस तरीके से अगर आप इनसाइड यू नो मेक श्योर करना है यहाँ पे, ये तभी काम करता जब आप उस पर्टिकुलर डीप के अंदर हो, एल्स अगर आप इस डीप के बाहर जाओगे एंड कॉल करोगे तो नहीं होने वाला हो। बट अगर आप अंदर हो एंड आपको सिर्फ और सिर्फ बटन को क्लिक करूंगा मैं, तो मेरा बटन का ही इवेंट फायर होना चाहिए। अगर आप ये चाहते तो आपने देखा ये नहीं होने वाला था, ये तो आपका फायर होता साथ में, उसके ऊपर जितने भी आपके इवेंट से वो टक 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 ऑटोमेटिक फायर हो जाते, आप हैरान हो जाते ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तो डिफॉल्ट बिहेवियर है बाय डिफॉल्ट, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो चाहे वो रिएक्ट हो। लेकिन अब इसको अगर मुझे रोकना हो, मुझे चाहिए कि अगर मैं चाइल्ड को क्लिक कर रहा हूं, सिर्फ मुझे चाइल्ड वाला इवेंट ही फायर करना है, तब उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, देखो इवेंट तो हमने पढ़ ही लिया था, अब आपको पता चला ना कितना काम है। सो इवेंट डॉट वी हैव दिस स्टॉप प्रोपागेशन दिस इज इस तरीके से इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपागेशन लिखना, मतलब प्रोपागेशन को आप रोक दीजिए, समझ रही है, आपको हर जगह लिखना पड़ेगा, फिर पेरेंट में भी आप लिखना पड़ेगा। अभी मैं ये करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अगर चाइल्ड पे क्लिक करता हूँ देन आई एम ओनली गोइंग टू गेट चाइल्ड क्लिक, अब ना पेरेंट है ना ग्रैंड पेरेंट है, पता चला। बट स्टिल अगर मैं ग्रैंड आई मीन पेरेंट पे क्लिक करता हूँ तो फिर भी मुझे वो देखो प्रोपागेट मेरा हो ही रहा है, पेरेंट पे क्लिक किया था मुझे ग्रैंड पेरेंट भी मिल गया, दिस इज योर बबलिंग फेस। अब आपके माइंड में आ रहा है व्हाट अबाउट कैप्चरिंग फेस, क्यों, क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं राइट, तो मैंने आपको बताया था हम एड इवेंट लिसनर यूज कर रहे थे एंड एट द एंड में ट्रू या फॉल्स, तो वो आपका बबल एंड देन कैप्चर फेस बता रहा था। तो क्यूरियोसिटी होती है ये माइंड में कि यार रिएक्ट में क्या, रिएक्ट में तो मैं वो एड इवेंट लिसनर हम यूज ही नहीं कर रहे एंड रिएक्ट रिकमेंड भी नहीं करता हमें कि एड इवेंट लिसनर आप यूज करो, तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो कैप्चर फेस चाहिए कि मतलब अगर मैंने चाइल्ड को क्लिक किया भी तो मुझे चाइल्ड का डेटा एकदम एंड में आना चाहिए, पहले ग्रैंड का आएगा फिर पेरेंट का फिर चाइल्ड का,
मुझे वो चाहिए एंड दैट इज योर कैप्चरिंग फ्रेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब उसके लिए गाइस बहुत ऑसम है एंड आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा बट इन्होंने ऑन क्लिक, अगर मैं यहाँ पे चलता हूं तो मुझे बाय डिफॉल्ट वैसे सजेशन तो आ जाना ऑन क्लिक कैप्चर करके होगा यहाँ पे, ठीक है ये। एंड इसको ही कॉपी यहाँ पे पेस्ट एंड देन यहाँ पे भी पेस्ट। आई मीन आपने ये कभी सोचा था कि लाइक जो कैप्चरिंग वाला जो फेस है वो ऑन क्लिक कैप्चर इन्होंने बना दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, चाइल्ड पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस देख लीजिए, पहले ग्रैंड पेरेंट आया, फिर पेरेंट आया, फिर जाके चाइल्ड आया। थोड़ी देर पहले अगर आप बैक जाते हो, प्रीवियस कीजिए वीडियो को, थोड़ा सा आप बैक जाइए, आप देखना जब मैंने चाइल्ड पे क्लिक किया था पहले चाइल्ड फिर पेरेंट फिर ग्रैंड पेरेंट, अब उल्टा है कैप्चरिंग फेस, अब ग्रैंड पेरेंट पेरेंट एंड देन चाइल्ड मुझे आ रहा है। एंड वो पाने के लिए इस तरीके से आपको करना पड़ता है योर कैप्चरिंग फेस। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो कितने, इसमें मैंने इसलिए ज्यादा कुछ नहीं रखा क्यों, क्योंकि ये प्योर जावास्क्रिप्ट है, प्योर जावास्क्रिप्ट है, जस्ट थोड़ा सा अलग तरीका था एंड दैट इज कि वहां पे हम एड इवेंट लिसनर यूज कर रहे थे, ट्रू एंड फॉल्स एट द एंड वाली जो वैल्यू होती है, बट यहाँ पे ऑन क्लिक कैप्चर करके इन्होंने दे दिया है ना। एंड आई डोंट नो आप में से कितनों ने इसके बारे में सुना था बट आई होप आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा क्योंकि हम एकदम नए नए चीजों को समझ रहे एंड ये जो मैंने पीपीटी आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले ये वाली, ये तो गाइस आपको मजा आ जाएगा क्योंकि ये हमारा जो एक्चुअल आप देख सकते हो प्रोमिसेस को मैंने किस तरीके से आपको बताया हुआ था, मतलब एकदम इनडेप्थ, इतना बेटर तरीके से मुझे नहीं लगता कि आपको गाइस कहीं मिलने वाला है जावास्क्रिप्ट। तो प्लीज जावास्क्रिप्ट का ये जो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। एल्स गाइस ये वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।